नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। प्रदेश की शिवराज सरकार जो विगत कई वर्षों से प्रदेश में सरकार चला रही है, उनके ही पार्टी के जिला कार्य समिति सदस्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा रमाकांत यादव आज से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनकी प्रमुख मांगे हैं नायब तहसीलदार को हटाने, आरजी नंबर 520/2/2 स्थित ग्राम कोनी के प्रकरण का निराकरण करने, समस्त कार्यों का आदेश जो नायब तहसीलदार ने नहीं किया है, सरकारी भूमि जो कलेक्टर के आदेश को नायब तहसीलदार सर्किल अतरेला द्वारा नहीं खुलवाया जा रहा है उसे खुलवाया जाए, तहसील कार्यालय जवा में प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर और चपरासी हटाए जाएं, शासकीय कर्मचारियों से सभी काम करवाए जाएं, तहसील कार्यालय 10 से 4 बजे प्रतिदिन तहसीलदार नायब तहसीलदार को बैठाया जाए, वन परिक्षेत्र अतरेला द्वारा पट्टे की जमीन को वन परिक्षेत्र से काटा जाए, इन सभी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे रमाकांत यादव हैं। वहीं भाजपा सरकार में कर्मचारी इतने हावी हो गए हैं कि भाजपा के नेताओं का ही कार्य करने को तैयार नहीं है, जिससे 7 महीने से भटकने के बाद आखिरकार रमाकांत यादव को अनशन पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं सरकार में अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि जब भाजपा नेता का कार्य भाजपा सरकार में अधिकारी नहीं कर रहे हैं तो आम जनता की फरियाद की सुनवाई कितनी होती होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं संसद में कई ग्रामीण जनता उपस्थित रहे। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा 1.5 साल से फाइल जो है तो आदेश में रखी थी और हमारा नायब तहसीलदार साहब जो है तो आदेश नहीं किया, इसलिए हम कई बार माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से, माननीय जिला अध्यक्ष सबसे हमने बोला कि हमारा जो है तो आदेश नहीं कर रही है तो थोड़ा फ़ोन कर दीजिए। वो फ़ोन भी किए तो बोलते हैं कर देगा लेकिन करते नहीं। अभी हम इतना ध्वस्त हो गया कि इतना परेशान हो गया कि मैं इतना क्रोध में आया हूँ कि शायद जो है तो मैंने पैसा से हर एक चीज़ से पैसा भी दिया था 7,000 रुपये कि हमारा कर दो। एक बार 10,000 रुपये दे दिया तो हमारा स्टे खारिज कर दिए, दोबारा हमने 7,000 रुपये दिया तो 7,000 रुपये मतलब फिर भी हमारा कोई काम नहीं किया। माननीय विधायक जी से बताया, सब स्टोरी बताया कि ऐसा कर रहे हैं, हमारा कोई काम सुन नहीं रहे हैं और फिर बोलते हैं कि मतलब तुम नेता से फोन लगवाते हो, मैं तुम्हारा काम ही नहीं करूँगा। ऐसा करते करते मेरे को अभी तक लटकाए रहेंगे, कल कर देगा, परसों कर देगा, ऐसा करके 1 साल बीत गया। अब मैं परेशान हो गया, इसकी वजह से मैं आमरण अनशन बैठ रहा हूँ और ये माननीय कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है और माननीय विधायक जी से, सांसद जी से, जिला अध्यक्ष जी से कि इस तहसीलदार को यहाँ से हमारे तहसील से हटाया जाए, क्योंकि